हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल इंजीनियर बीइंग। गाइस, इस वीडियो में हम देखेंगे अबाउट द एरर करेक्शन टेक्निक्स। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था अबाउट द एरर डिटेक्शन मेथड्स, उसमें हमने चार मेथड्स पढ़े थे, पैरिटी, देन टू डायमेंशनल पैरिटी, देन चेकसम एंड देन सीआरसी। इस वीडियो में हम देखेंगे एरर कैसे करेक्ट किया जाता है। डिटेक्ट तो हमने कर लिया, अब करेक्ट भी तो करना है एरर को, तो करेक्ट कैसे करेंगे? थ्रू हैमिंग कोड्स। सो हैमिंग कोड्स की हेल्प से हम एरर को करेक्ट कर सकते हैं। ये भी बताता है कि एरर है आपके डेटा में, जो सेंड हुआ है सेंडर टू रिसीवर, रिसीवर को पता चल जाएगा एरर है, और ये भी पता चल जाएगा कहाँ पे एरर। लेकिन सिर्फ एक बिट के लिए ही एप्लीकेबल है, सिंगल बिट एरर करेक्टिंग कोड है ये, यानी कि सिर्फ एक ही बिट के एरर को करेक्ट कर सकता है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ये आपका सेंडर साइड है, दिस इज द सेंडर साइड। सेंडर साइड पे सपोज ये आपने कंसीडर कर लिया 4 बिट का डेटा वर्ड, तो सबसे पहले आप कैलकुलेट करोगे रिडंडेंट बिट्स R0, R1 एंड R2। सो आपका अगर 4 बिट का डेटा वर्ड है, उसके लिए 3 बिट्स के रिडंडेंट बिट्स होंगे, 3। ओके, सो रिडंडेंट बिट्स को आप कह सकते हो काइंड ऑफ चेक बिट्स, जिसके थ्रू रिसीवर चेक कर सकता है कि कोई एरर तो नहीं है डेटा में। तो आप क्या करोगे, जो आपका डेटा वर्ड है, ये आपका डेटा वर्ड है A3, A2, A1, A0, इसको आप कंबाइन कर दोगे विद द रिडंडेंट बिट्स R2, R1 एंड R0, और ये पूरा सेंड हो जाएगा यहाँ पर टू द रिसीवर। अब रिसीवर क्या करेगा, रिसीव करने के बाद सिंड्रोम बिट्स कैलकुलेट करेगा। अब अगर ये सारे सिंड्रोम बिट्स आपके पास 0 आ जाते हैं, दैट मीन्स नो एरर। और अगर कोई और वैल्यूज आती हैं, जैसे कि 001, 010, 011, इनमें से अगर कोई भी वैल्यूज आती है सिंड्रोम बिट्स की, तो आप ये पता लगा सकते हो कि किस पोजीशन पर एरर है। तो यहाँ पे एरर डिटेक्ट भी हुआ कि अगर सारी बिट 0 नहीं है तो एरर डिटेक्ट हो जाएगा कि हाँ एरर है, और अगर पोजीशन पता लगानी है तो वो भी आप पोजीशन पता लगा सकते हो इन सिंड्रोम बिट्स को कंबाइन करके। फाइन, तो ये आपके पोजीशन पता चल जाएंगे रिसीवर साइड पे। ये था आपका कोडवर्ड जो रिसीव हुआ था फ्रॉम द सेंडर। तो अब देखते हैं एक एग्जांपल को सॉल्व करके कि हाउ वी कैन सॉल्व इट। सो ये आपका एग्जांपल है 1010, इसके लिए ये A3 है, दिस इज A2, A1 एंड A0। अब इसमें अगर आप R0 कैलकुलेट करोगे तो A2 प्लस A1 प्लस A0। सो A2 इज वॉट 0, A1 इज वॉट 1 प्लस 0 मॉड्यूलो 2। सो यहाँ पे मॉड्यूलो ऑपरेशन जो होता है वो आपको रिमाइंडर रिटर्न करता है, तो आपका आंसर आ जाएगा 1। ऐसे ही अगर आप R1 एंड R2 कैलकुलेट करोगे, A3, A2 एंड A1, सो A3, A2 एंड A1, सो 1 प्लस 0 प्लस 1 दैट इज 2, 2 मॉड्यूलो 2 इज 0। R2 अगर आप कैलकुलेट करोगे, सो A3, A1 प्लस A0, A3, A1 प्लस A0 मॉड्यूलो 2, सो यू विल गेट 0। तो यहाँ पे आप कंबाइन करोगे तो आपका जो फाइनल डेटा सेंड होगा टू द रिसीवर, वो सेंड होगा R2 कितना है आपका 0, R1 कितना है 0 एंड 1। तो आपने डेटा वर्ड था आपका 1010, उसको आपने कंबाइन कर दिया R2, R1 एंड R0 से, तो ये आपका कोड वर्ड सेंड हो जाएगा। अब रिसीवर रिसीव करता है इस कोड वर्ड को, तो यहाँ पे मैंने नोटेशंस बस थोड़े से चेंज कर दिए हैं। जो ऊपर सेंडर साइड A से रिप्रेजेंट हो रहा था, वो रिसीवर को B से रिप्रेजेंट किया गया, और R जो रिडंडेंट बिट्स ऊपर R से रिप्रेजेंट हो रही थी, वो मैंने Q से रिप्रेजेंट किया। तो यहाँ पे जो रिसीवर साइड रिसीव होगा दैट इज 1010 001, सेम रिसीव होगा, बस नोटेशंस यहाँ पे चेंज्ड है। तो यहाँ पे वी विल कैलकुलेट द सिंड्रोम बिट्स। अब सिंड्रोम बिट्स S0 कैलकुलेट करते हैं, देन S1 एंड देन S2। तो देखते हैं कितना आता है। तो B2, B1, B0 प्लस Q0। B2 कितना है आपका 0, B1 कितना है 1, B0 कितना है 0 एंड Q0 कितना है 1। अब आप मॉड्यूलो इसका 2 से करोगे, सो यू विल गेट 0। S1, B3, B0, B2, B1, सो B3, B2 एंड B1 को अगर आप सम करते हो 0, 1, 1 एंड प्लस Q1 भी है, सो प्लस 0 एंड मॉड्यूलो 2, सो यू विल गेट 0। सिमिलरली अगर आप S2 के लिए कैलकुलेट करते हो तो सो B3, B1 प्लस B0 प्लस Q2 मॉड्यूलो 2, सो यू विल गेट 0। सो यहाँ पे तीनों बिट 0 है, दैट मीन्स नो एरर। और ऑब्वियसली एरर क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो एक्चुअल में था डेटा वही यहाँ पे रिसीवर के साइड सेंड किया गया। अब मान लो कि आपने इस वाले बिट पे चेंज कर दिया, और रिसीवर साइड जो डेटा रिसीव हुआ दैट इज 1011 001, यहाँ पे इस वाले पोजीशन पे आपने चेंज कर दिया, और यहाँ पे नोटेशंस क्या है B3, B2, B1, B0 एंड Q1, Q2, Q1 एंड Q0, ये आपके नोटेशंस हैं। तो यहाँ पे इस पोजीशन पे आपने चेंज कर दिया बिट। अब आप दोबारा से अगर कैलकुलेट करोगे सिंड्रोम बिट्स, सो S0, S1 एंड S2 अगर आप दोबारा कैलकुलेट करो, सो S0 आ जाएगा आपका इस वाले फॉर्मूले से B2, B1, B0 प्लस Q0। सो B2 कितना है आपका 0, B1 कितना है 1, B0 कितना है 1 एंड Q0 कितना है 1 मॉड्यूलो 2। तो आपको कितना मिलेगा 1, 3 मॉड्यूलो 2 इज 1। S1 को अगर आप कैलकुलेट करोगे सो B3 प्लस B2 प्लस B1 प्लस Q1 मॉड्यूलो 2 यू विल गेट 0। देन अगेन S2 अगर आप सेम इसी फॉर्मूले से यहाँ पे कैलकुलेट करते हो तो यू विल गेट 1। तो यहाँ पे अगर आप S2, S1 एंड S0 को यहाँ पे कंबाइन करोगे इस ऑर्डर में जो जैसा कि यहाँ पे मेंशन है, सो S2, S1 एंड S0 अगर आप कंबाइन करोगे तो आपको क्या मिलेगा 101। तो अब आप टेबल में चेक करो कि 101 के लिए किस पोजीशन पे एरर है। सो 101 यहाँ पे और एरर कहाँ पे आएगा B0 पे। तो अब आप देखो ऊपर कि क्या B0 पे ही है एरर। सो यस, एरर आपका B0 पोजीशन पे है यहाँ पे। तो इसलिए इस टेबल ने क्या बताया थ्रू हैमिंग कोड्स कि आपका किस पोजीशन पे एरर है। तो इसने पहले तो डिटेक्ट किया यूजिंग द सिंड्रोम बिट्स कि एरर है, सारे बिट्स 0 है तो नो एरर, नहीं है तो एरर, क्योंकि यहाँ पे सारे बिट्स 0 नहीं आ रहे हैं तो एरर तो है। अब एरर कहाँ पे है वो भी आपको पता चल जाएगा थ्रू दिस टेबल। तो यहाँ पे आपको टेबल याद रखनी पड़ेगी और सेंडर और रिसीवर साइड के लिए सिंड्रोम बिट्स और रिडंडेंट बिट्स कैसे कैलकुलेट करनी है वो आपको याद रखना पड़ेगा इन दिस। अच्छा, इसमें एक चीज और आती है हैमिंग डिस्टेंस। सो हैमिंग डिस्टेंस क्या होता है कि जैसे आपके पास दो कोड वर्ड्स हैं, ये वाला कोड वर्ड 1 एंड सेकेंड कोड वर्ड, तो इन दोनों कोड वर्ड्स में जैसे 1 एंड 0 ये दोनों डिफरेंट है, 0, 1 डिफरेंट है, ये दोनों बिट्स भी डिफरेंट है यहाँ पे। सो दोनों कोड वर्ड्स में किन किन पोजिशंस पे आपके जो बिट्स हैं वो डिफरेंट है उनको आप काउंट कर लो और वही आपका हैमिंग डिस्टेंस है। तो अगर आप देखो एंड से तो यहाँ पे ये डिफरेंट है, इस वाले के लिए ये भी डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है, यहाँ पे सेम है दोनों में 1 एंड 1, यहाँ पे सेम है दोनों 0 एंड 0, यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे सेम, तो यहाँ पे 3 आपकी क्या हो जाएगी हैमिंग डिस्टेंस। एक और तरीका इसको कैलकुलेट करने का कि आप जोर ऑपरेशन का यूज कर सकते हो। दोनों C1 एंड C0 को अगर आप जोर कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे क्या होता है जोर में अगर दोनों बिट्स डिफरेंट है, अगर उनका आप जोर ऑपरेशन कैलकुलेट करते हो तो आपको 1 मिलता है आंसर, लेकिन अगर दोनों बिट्स सेम है उनका जोर ऑपरेशन परफॉर्म करते हो तो 0 आंसर मिलता है। तो 1 और 0 का अगर आप जोर परफॉर्म करोगे तो 1 मिलेगा, 0, 1 का जोर 1, 1, 0 का जोर भी 1, 1 एंड 1 दोनों बिट सेम है तो उसका जोर 0, देन 0 सारे बिट सेम है। तो यहाँ पे जितने नंबर ऑफ 1s आएंगे उतना क्या हो जाएगा आपका हैमिंग डिस्टेंस। इसको भी यूज किया जाता है एरर्स को करेक्ट करने में, डिटेक्ट करने में। सो ये भी एक कॉन्सेप्ट है हैमिंग डिस्टेंस। सो नंबर ऑफ बिट्स पोजिशन इन विच कोड वर्ड डिफर, सो कितने पोजिशन से डिफर है बाय 3 पोजिशन, और वही आपका हैमिंग डिस्टेंस है। इसके लिए यू कैन यूज जोर ऑपरेशन। नेक्स्ट कम्स द लैन स्टैंडर्ड्स। सो लैन स्टैंडर्ड्स में सबसे पहला आता है आपका ईथरनेट एंड सबसे कॉमन, सबसे फेमस लोकल एरिया नेटवर्क टेक्नोलॉजी है ये, और लोकल एरिया पे आप डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हो यूजिंग ट्विस्टेड पेयर केबल, यूजिंग ऑप्टिकल फाइबर केबल, यूजिंग कोएक्सियल केबल एज वेल। सो ये होता है आपका ईथरनेट, वायर्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है। IEEE स्टैंडर्ड के अंडर प्रोजेक्ट जो 8.802.3 था उसके अंडर आपको ये इथरनेट के बारे में बताया गया था। और इथरनेट के पास 2 लेयर्स होते हैं, फिजिकल एंड डेटा लिंक लेयर, तो उसके स्पेसिफिकेशंस भी IEEE ने दिए थे। फिर है एक्सेस मेथड। इथरनेट जो होते हैं वो CSMA/CD एक्सेस मेथड को यूज करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो एक्सेस मेथड्स पर ही होगा, जो कि फंक्शन है डेटा लिंक लेयर का। थोड़ा सा मैं आइडिया दे देती हूँ कि आपका ट्रांसमिशन मीडिया है या आपका चैनल है, इस चैनल के थ्रू एट द सेम टाइम बहुत सारे डिवाइसेस डेटा सेंड करना चाहते हैं। तो उस डेटा में अगर एट द सेम टाइम सपोज डेटा सेंड हो रहा है तो क्या होगा, एट द सेम टाइम अगर डेटा सेंड हो रहा है तो डेटा में कोलिजन होगा, इंटरमिक्सिंग होगी, इंटरफेरेंस हो जाएगा। तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए हमारे पास कुछ मेथड्स होते हैं, एक्सेस मेथड्स। तो CSMA भी एक तरीके का मेथड है, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कोलिजन डिटेक्शन, इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ पे CSMA प्रोटोकॉल यूज होता है, एक्सेस मेथड विद आई परसिस्टेंट, ये भी हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी सिर्फ आप ध्यान रखो कि इथरनेट CSMA विद CD यूज करता है। और मैनचेस्टर कोडिंग, जो आपके बिट्स वाले फॉर्म में डेटा आता है उसको हम डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं, तो यहाँ पे मैनचेस्टर एनकोडिंग का यूज किया जाता है। और ये भी मैंने आपको यूनिट 1 में समझाया था, हाउ डू वी कैलकुलेट मैनचेस्टर एनकोडिंग, जब मैंने आपको डिजिटल एनकोडिंग के बारे में पढ़ाया था। सो गाइज टू वॉच दैट वीडियो एज वेल। सो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जो इथरनेट होता है उसमें 2 लेयर्स होती हैं आपकी, एक तो डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर, जो आप OSI मॉडल में होते हैं। बॉटम मोस्ट लेयर आपका फिजिकल लेयर एंड देन कम्स द डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर भी आपका 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, LLC दैट इज लॉजिकल लिंक कंट्रोल एंड MAC इज फॉर मीडिया एक्सेस कंट्रोल। मीडिया एक्सेस कंट्रोल मीन्स वही जो मैंने आपको बताया कि आपका ये ट्रांसमिशन मीडिया है और बहुत सारे डिवाइसेस एट द सेम टाइम डेटा सेंड करना चाहते हैं, तो क्या होगा, कोलिजन होगा। अब उस कोलिजन को अवॉइड करने के लिए हमारे पास कुछ एक्सेस मेथड्स होते हैं। ये पूरा टॉपिक है जो हम पढ़ेंगे, इसमें मेथड्स पढ़ेंगे, एलोहा, स्लॉटेड एलोहा, सीएसएमए विद सीडी, और भी बहुत सारे मेथड्स हम पढ़ेंगे इसमें। एलएलसी, लॉजिकल लिंक कंट्रोल, क्या करता है, ये फ्लो एंड एरर कंट्रोल्स को मैनेज करता है ओवर द डेटा लिंक लेयर। फाइन, सो सेम यहाँ पे लिखा है। फिजिकल लेयर हमें पता ही है कि जो आपका ट्रांसमिशन मीडिया होता है, जो आपका फिजिकल इंटरफेस प्रोवाइड करता है बिटवीन द ट्रांसमिशन मीडिया एंड जो आपके डिवाइसेस कनेक्टेड हैं। अब कुछ भी हो सकता है आपका ट्रांसमिशन मीडिया, फाइबर ऑप्टिकल केबल हो सकता है, ट्विस्टेड पेयर केबल हो सकता है, जिसके थ्रू आपका एक्चुअल डेटा सेंड होगा और बिट्स की फॉर्म में सेंड होता है यहाँ पे फिजिकल लेयर पे डेटा। और डेटा लिंक लेयर मैंने अभी आपको बताया एलएलसी एंड मैक में डिवाइडेड होता है। नाउ कम्स द इवोल्यूशन ऑफ ईथरनेट। सो ईथरनेट का इवोल्यूशन कैसे हुआ? सबसे पहले आया था स्टैंडर्ड ईथरनेट, जिसकी स्पीड थी 10 mbps। जो आपका फास्ट ईथरनेट था उसकी स्पीड पहुंच गई थी 100 mbps तक। गीगाबिट इथरनेट की 1 GB/s और यहाँ पे 10 GB/s। सो इस तरीके से इवोल्यूशन होता गया इथरनेट का। तो सबसे पहले देखते हैं स्टैंडर्ड इथरनेट के बारे में। सो स्टैंडर्ड इथरनेट में मैंने अभी आपको बताया कि इसकी 10 mbps स्पीड होती है। यहाँ पे कुछ इम्प्लीमेंटेशन है कि स्टैंडर्ड इथरनेट के क्या क्या इम्प्लीमेंटेशन रहे, कि मतलब किस तरीके से हमने उसको इम्प्लीमेंट किया, कौन कौन से हमने केबल्स यूज किए और कैसे हमारे पास ये स्पीड अचीव हो पाई। तो यहाँ पे पहला जो है दैट इज 10^5। अब ये जो 10 है ये आपको स्पीड बता रहा है दैट इज 10 mbps। बेस ये बताता है कि क्या कम्युनिकेशन सिग्नल है, डिजिटल सिग्नल है, एनालॉग सिग्नल है, तो यहाँ पे डिजिटल सिग्नल्स का यूज किया जाता है। और ये जो 5 एंड में लिखा है ये आपको डिस्टेंस बता रहा है कि 500 मीटर की डिस्टेंस तक ये ठीक काम करेगा। अब जैसे डायग्राम भी यहाँ पे बनाए, यू कैन अंडरस्टैंड वेल फ्रॉम दिस डायग्राम कि यहाँ पे ये क्या आपका ये कोएक्सियल केबल है, ठीक है। 10^5 के लिए थिक कोएक्सियल केबल को यूज किया जाता था और यहाँ पे 500 मीटर तक का ही वायर यूज किया जा सकता है। ये आपके ये जो है ये डिवाइसेस, ये ट्रांस यानी कि जो आपका ट्रांसमीटर है एंड रिसीवर है, सो इन दोनों को कंबाइन करके एक वर्ड बना दिया गया ट्रांसीवर। सो ये आपके डिवाइसेस हैं, इट कैन बी और कंप्यूटर और एनी डिवाइस। सो ये आपके कंप्यूटर्स कनेक्टेड है और यहाँ पे जो वायर की लेंथ है ये 50 मीटर हो सकती है। और ये किस कौन से टोपोलॉजी में कनेक्टेड है? बस टोपोलॉजी में कनेक्टेड है। तो ये आपका पहला इम्प्लीमेंटेशन है स्टैंडर्ड इथरनेट का, दैट इज 10^5। इसी तरीके से 10^2 है। सो 10 आपको स्पीड बता रहा है दैट इज 10 mbps। बेस आपको क्या बता रहा है कि आपका डिजिटल सिग्नल में डेटा ट्रांसमिट हो रहा है। 2 आपको ये बता रहा है कि 200 मीटर अप्रॉक्स आपकी डिस्टेंस जाती है, कंप्लीट 200 मीटर नहीं जाती, यहाँ पे 185 मीटर जाती है। और यहाँ पे थिन कोएक्सियल केबल को यूज किया जाता है। एंड टोपोलॉजी आपको दिख रही है कि ये एंड है वायर का और थिन वायर यूज हो रहा है यहाँ पे, कोएक्सियल थिन वायर। और कौन सी टोपोलॉजी है? बस टोपोलॉजी। और ये आपके डिवाइसेस कनेक्टेड है। नेक्स्ट आता है आपका 10^T। तो 10 आपका स्पीड बता रहा है, बेस आपका डिजिटल सिग्नल एंड T आपको ये बता रहा है कि यहाँ पे ट्विस्टेड पेयर केबल्स का यूज किया जा रहा है। अब यहाँ पे 2 पेयर्स ऑफ ट्विस्टेड पेयर केबल यूज किए जाते हैं, यानी कि 2 ट्विस्टेड पेयर, यानी कि टोटल कितने वायर्स हैं यहाँ पे? 4 वायर्स से एक डिवाइस कनेक्टेड है। ये डिवाइस 2 ट्विस्टेड पेयर से कनेक्टेड है। फाइन। और यहाँ पे जो डिस्टेंस हो सकती है दैट इज 100 मैक्स। और यहाँ पे टोपोलॉजी कौन सी यूज की गई है? यहाँ पे स्टार टोपोलॉजी का यूज किया गया है। कैसे पता चला? स्टार टोपोलॉजी इस टाइप की होती है, बीच में एक सेंट्रल डिवाइस होती है और सेंट्रल डिवाइस कोई सी भी हो सकती है, आपका स्विच, हब, इनके बारे में हमने पढ़ा है कनेक्टिंग डिवाइसेस के बारे में। सो ये कनेक्टिंग डिवाइसेस ने इन 3 डिवाइसेस को कनेक्ट कर लिया। सो इट इज अ स्टार टोपोलॉजी। नेक्स्ट कम्स 10^F। सो 10^F में 2 फाइबर ऑप्टिकल केबल्स का यूज किया जाता है। F आपको क्या बता रहा है कि फाइबर ऑप्टिकल केबल यू आर यूजिंग और यहाँ पे स्टार टोपोलॉजी यूज हो रही है। फाइन। तो ये था आपका स्टैंडर्ड इथरनेट का इम्प्लीमेंटेशन। नेक्स्ट कम्स फास्ट इथरनेट। फास्ट इथरनेट में आपकी जो बेस है वो 100 mbps तक चली जाती है। यहाँ पे ट्विस्टेड पेयर केबल्स का यूज किया जाता है और यू कैन से Cat5 केबल, या आप गूगल करके देख सकते हो किस टाइप के वायर्स होते हैं ये। फाइबर ऑप्टिकल केबल भी यूज होता है, ट्विस्टेड पेयर केबल भी यूज होता है। अब यहाँ पे देखते हैं कि क्या क्या टोपोलॉजीज यूज हुई फास्ट इथरनेट में। तो या तो पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी यूज कर लो या फिर आप स्टार टोपोलॉजी को यूज कर सकते हो। देन कम्स द इम्प्लीमेंटेशन। तो जैसे हमने उसमें पढ़े हैं स्टैंडर्ड इथरनेट में, तो यहाँ पे फास्ट इथरनेट के भी इम्प्लीमेंटेशन है, जैसे कि 100 बेस TX, तो यहाँ पे 2 वायर्स कैटेगरी 5 यूटीपी। यूटीपी का क्या मतलब है? अनशिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। 100 बेस FX दैट इज 2 वायर्स फाइबर आपको यूज करने पड़ेंगे, ऑप्टिकल फाइबर्स। 100 बेस T4 में आपको 4 वायर कैटेगरी 3 यूटीपी, दैट मीन्स 3 अनशिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। सो बेसिकली थ्योरी काफी है, यू हैव टू रिमेम्बर इट। गीगाबिट इथरनेट यहाँ पे 1000 Mbps या फिर 1 Gbps तक चली जाती है। स्पीड कैट 5E केबल यूज किया जाता है। और यहाँ पे अगर हम इम्प्लीमेंटेशंस की बात करें तो 1000 बेस SX जिसमें 2 वायर शॉर्ट वेव फाइबर का यूज किया जा रहा है। 1000 बेस LX हो सकता है, 1000 बेस CX, 1000 बेस T। सो यहाँ पे वही 1000 आपका स्पीड बता रहा है, बेस यानी कि डिजिटल सिग्नल, एंड ये आपको ये बता रहा है कि आप कौन से वायर का यूज कर रहे हो। नेक्स्ट कम्स टोपोलॉजी। सो पॉइंट टू पॉइंट हो सकता है, स्टार टोपोलॉजी यूज कर सकते हो आप इन गीगाबिट इथरनेट, स्टार टू स्टार टोपोलॉजीज यूज कर सकते हो, हायरार्की ऑफ स्टार्स यूज कर सकते हो। सो आप देखो कि इतने बड़े नेटवर्क को भी कनेक्ट कर पा रहा है ये। 10 गीगाबिट इथरनेट में यहाँ पे 10 GB/s तक आपकी स्पीड चली जाती है और फाइबर ऑप्टिकल केबल्स को आप यूज करते हो बेसिकली। और Cat 6A एंड Cat 7 ट्विस्टेड पेयर केबल्स और फाइबर ऑप्टिकल केबल्स को यूज करते हो। तो अगर आप अच्छे केबल्स यूज करोगे तो यहाँ पे ऑब्वियसली स्पीड अच्छी आएगी, रिलायबिलिटी अच्छी होगी, थ्रूपुट अच्छा होगा, डेटा लॉस नहीं होगा। सो दैट इज अबाउट द इवोल्यूशन ऑफ इथरनेट्स। नेक्स्ट कम्स द फ्रेम फॉर्मेट। सो ये आपका फ्रेम फॉर्मेट है। यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया इथरनेट में 2 लेयर्स का स्पेसिफिकेशन है, दैट इज ऑफ फिजिकल एंड डेटा लिंक लेयर। तो यहाँ पे जो फिजिकल लेयर है, ये जो इतना पार्ट है आपका प्रीएम्बल टू SFT, ये फिजिकल लेयर इसमें डेटा डालता है। और जो प्रीएम्बल होता है उसमें डेटा कुछ इस तरीके से जाता है, 56 बिट्स का डेटा होता है और 101010 के फॉर्म में अप टू 56 बिट्स डेटा यहाँ पे प्रीएम्बल में प्रेजेंट होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे 7 बाइट्स लिख रखा है। बाइट्स मीन 7 into 8 से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट बिट्स। देन कम्स SFD। SFD मीन्स स्टार्ट फ्रेम डिलिमिटर। तो SFD आपको ये बताता है कि कहाँ से फ्रेम आपका स्टार्ट हो रहा है। सो 1010 ये इसका सेम यही पैटर्न रहता है। ये आपको बताता है कि ये यहाँ पे खत्म हो चुका है, यहाँ से आपका एक्चुअल फ्रेम स्टार्ट हुआ है। इतना स्टार्टिंग पार्ट था, पहले प्रीएम्बल आएगा, उसके बाद SFT आएगा एंड देन कम्स द फ्रेम। तो ये जो दोनों पार्ट हैं ये फिजिकल लेयर हेडर बोलते हैं इसे, क्योंकि फिजिकल लेयर इन दोनों पार्ट्स में डेटा को डालता है। देन कम्स आपका एक्चुअल फ्रेम का पार्ट कौन सा है? डेस्टिनेशन एड्रेस टू CRC। अब डेस्टिनेशन एड्रेस क्या होता है? डेस्टिनेशन एड्रेस आपका मैक एड्रेस होता है। जो मैंने आपको हार्डवेयर एड्रेस बताया कि हर एक डिवाइस का एक यूनिक एड्रेस होता है, जिससे कि नेटवर्क पे उसको यूनिकली आइडेंटिफाई किया जाए थ्रू NIC कार्ड, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के थ्रू। तो यहाँ पे मैक एड्रेस दिया जाता है। हमें पता है मैक एड्रेस जो होता है वो 48 बिट्स का होता है। 48 बिट्स मीन्स 6 बाइट्स। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है कि आपका डेस्टिनेशन एड्रेस जो है वो 6 बाइट्स का होगा। सोर्स एड्रेस वो भी मैक एड्रेस होगा, तो वो भी 6 बाइट्स का। देन लेंथ और टाइप, तो लेंथ जो होगी आपके डेटा की दैट इज 2 बाइट्स। एंड डेटा एंड पैडिंग, यहाँ पे जो आपका डेटा होगा वो एक्चुअल प्रेजेंट होगा। एंड देन CRC, यहाँ से आप डेटा और फ्रेम की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। तो फ्रेम की अगर हम बात करें तो फ्रेम मिनिमम 64 बाइट्स का होना चाहिए। अब यहाँ पे टोटल 64 है मिनिमम। अगर हम देखें लेंथ, तो अगर आप 6, 6, 2 और 4 को ऐड करोगे तो यू विल गेट 6, 12 and 18, 18. So 64 में से अगर आप 18 सब्ट्रैक्ट करोगे, so you will get 46 as the 46 bytes. तो यहाँ पे आपको डेटा एंड पैडिंग की जो लेंथ है वो 46 bytes मिल जाएगी मिनिमम लेंथ। और जो मैक्सिमम लेंथ होती है वो मैक्सिमम लेंथ हो सकती है 1500 bytes। और अगर फ्रेम की बात करोगे तो 15, 18 bytes। सो ये आप याद रख सकते हो मिनिमम एंड मैक्सिमम लेंथ। सो दैट इज अबाउट द फ्रेम फॉर्मेट, जिसमें प्रीएम्बल, SFD, डेस्टिनेशन एड्रेस, सोर्स, लेंथ, डेटा एंड पैडिंग एंड CRC। CRC क्या होता है? आपका एरर डिटेक्शन मेथड, जो हमने पढ़ा था, साइक्लिंग, रिडंडेंसी। सो साइक्लिंग रिडंडेंसी चेक, इसके बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था इन प्रीवियस वीडियो। सो दैट इज द फ्रेम फॉर्मेट। तो जो आपका ईथरनेट का एड्रेस है, जो हमने देखा 48 बिट्स का जो मैक एड्रेस होता है, उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ 6 बाइट्स। तो आपका ये एक बाइट हुआ, ये दूसरा बाइट, ये थर्ड बाइट, फोर्थ एंड फिफ्थ एंड सिक्स। तो यहाँ से इस तरीके से 6 बाइट्स, यानी कि ये जो पूरा होगा यहाँ पे कितने होंगे, टोटल 8 बिट्स होंगे। फाइन। तो आप 0 को 4 बिट्स में रिप्रेजेंट करोगे एंड देन 6 को भी 4 बिट्स में। तो 0 को आप लिख सकते हो 0000 एंड 6 को व्हाट यू कैन राइट, अगर आप इस पैटर्न से देखोगे तो 01110 आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो ये टोटल कितना है आपका, फर्स्ट बाइट। इसी तरीके से आप इसको भी थ्रू 4 बिट्स रिप्रेजेंट कर सकते हो एंड 1 को भी थ्रू 4 बिट्स। तो टोटल आपका कितना आ जाएगा, 48 बिट्स, क्योंकि 6 बाइट है, 6 into 8 करोगे तो 48 बिट्स। अब यहाँ पे एक चीज और है कि ए को यहाँ पे जो ए बी सी डी नोटेशन आएंगी, तो वो सी जो है यहाँ पे वो 12 को डिनोट कर रहा है, 18 जो है यहाँ पे वो 11 को डोनेट कर रहा है। अब ये चीज बताने का पर्पस ये है कि आप इस एड्रेस को देख के, ये जो आपका मैक एड्रेस है, इसको देख के आप ये बता सकते हो कि आपका एड्रेस किस टाइप का, यूनिकास्ट एड्रेस है, मल्टीकास्ट एड्रेस है या ब्रॉडकास्ट एड्रेस है। तो आपका जो ये फर्स्ट बाइट है, इस फर्स्ट बाइट की जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, ये वाली लास्ट वाली बिट, अगर ये बिट 0 है दैट मीन्स आपका यूनिकास्ट एड्रेस है, अगर ये बिट 1 है दैट मीन्स आपका मल्टीकास्ट एड्रेस है। अब ब्रॉडकास्ट कैसे पता चलेगा, ब्रॉडकास्ट पता चलता है कि जब आपके सारे के सारे बिट्स जो है वो 1 हो, यहाँ पे सारे बिट्स 48 के 48 बिट्स अगर 1 होते हैं तो वो ब्रॉडकास्ट एड्रेस माना जाता है। जैसे कि यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल लें, सपोज ये क्वेश्चन है यहाँ पे, तो यहाँ पे सी पार्ट अगर हम देखें तो एफ 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 एफ, तो मैंने भी आपको बताया ए बी सी डी ई एफ, तो 10 11 12 13 14 15, सो 15 जो होगा उसको हम एफ से रिप्रेजेंट करेंगे। और अगर आप 15 की नोटेशन देखोगे तो 1111 ये होती है इन बाइनरी, तो सारे आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएंगे, सारे 1 है, तो ये क्या है, ये आपका ब्रॉडकास्ट एड्रेस है। सिमिलरली अगर आपको इसके लिए बताना है कि क्या होगा ये, तो आप पहला बाइट लो, क्या है आपका 4A, तो 4 को आप क्या लिख सकते हो इन बाइनरी, आप ये पैटर्न ध्यान रखो एंड देन यू कैन राइट 0100। A को क्या लिख सकते हो 10, तो 10 को यू कैन रिप्रेजेंट एज दिस। तो अब आपका जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है इस फर्स्ट बाइट का, दिस इज योर फर्स्ट बाइट, इसका जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वो क्या है, 0 है, यानी कि आपका यूनिकास्ट एड्रेस है। सिमिलरली आप इसको खुद ट्राई कर सकते हो, 4 को आप रिप्रेजेंट करना बाइनरी में, देन 7 को रिप्रेजेंट करना बाइनरी में, पूरा आपका बाइट जो है वो बिट्स में रिप्रेजेंट हो जाएगा 8 बिट्स में। और फिर देखना ये जो आपका LSB है ये 0 है या 1 है, अगर 0 है तो यूनिकास्ट, 1 है तो इट विल बी मल्टीकास्ट। ये आपका नेक्स्ट है FDDI। FDDI क्या होता है, ये भी आपका एक LAN प्रोटोकॉल है, ये भी आपका एक जो है LAN स्टैंडर्ड है, और इसको 1980s में डेवलप किया गया था ईथरनेट्स को रिप्लेस करने के लिए। क्यों, यहाँ पे हमने एक तो फाइबर ऑप्टिकल केबल्स का यूज किया था। अब हमें पता है कि जो ऑप्टिकल फाइबर केबल्स होते हैं इनकी, इनमें एटेन्यूएशन कम होता है, नॉइज बहुत कम होता है, लेकिन ये कॉस्टली काफी ज्यादा होते हैं, और यहाँ पे जो डेटा ट्रांसमिट होता है वो ओवर द डिस्टेंस काफी अच्छे से ट्रांसमिट हो जाता है विदाउट एनी लॉस। तो एज एन ऑल्टरनेटिव था ये ईथरनेट का, हाई स्पीड में जा सकता है आपका डेटा, अप टू 100 Mbps इसकी स्पीड है, और डिस्टेंस ये 200 किलोमीटर तक की डिस्टेंस ये कवर कर सकता है। यूज कहाँ पे किया जाता है, यूनिवर्सिटीज, गवर्नमेंट एजेंसीज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, जहाँ हमें ज्यादा रिलायबिलिटी चाहिए, हाई बैंडविड्थ चाहिए, तो वहां पे इसको यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज टोकन रिंग। टोकन रिंग में वही काइंड ऑफ टोकन होता है और वो हर एक डिवाइस के पास पास होता है। तो जिस भी डिवाइस के पास टोकन है, सपोज इस तरीके से आपके डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, जिस डिवाइस के पास टोकन होगा वो डिवाइस सेंड कर सकता है डेटा एंड देन टोकन आगे सेंड हो जाएगा। तो जिस भी डिवाइस के पास टोकन होता है वही सेंड कर सकता है डेटा। तो इससे क्या होता है, कोलिजन नहीं होता कि सब एक साथ डेटा सेंड करना चाह रहे हैं, तो वो वाली प्रॉब्लम नहीं आती। जिसके पास टोकन होगा सिर्फ वही सेंड करेगा। सो 1980s में इसको डेवलप किया गया था। ये डिफरेंशियल मैनचेस्टर एनकोडिंग का यूज करता है। यहाँ पे जो डेटा रेट की जो स्पीड आती है दैट इज 4 to 18 मेगापिक्सल। सो गाइस, ये थे हमारे 3 लैन के स्टैंडर्ड्स, दैट इज ईथरनेट, FDDI एंड टोकन रिंग। सो गाइस, दैट इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, और अगर आपको पसंद आता है देन लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू दिस चैनल। और अगर आपको कोई सजेशन है सो गाइस लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।